वो भाई क्या मसला है, क्या मसला है? हैं? आराम से आराम से यार। ये जो है ना हमारा ये चिंटू, जो भी चिंटू, ये इसको मारता बेचारे को, देखो यार गंजा कर दिया ऊपर से पूरा। ये देखो ये बेचारा सैम के यहाँ बैठ जाता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सैम के बैठ जाता इसकी वजह से सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो यार हमारा जो चिंटू है ना दोस्तों, वो बेचारा ना, सॉरी मिंटू, वो बेचारा ना इससे पिटता रहता है हमारे चिंटू से। चिंटू ना बहुत खतरनाक हो गया इसकी माशाल्लाह, लेकिन यार बड़ा कितना हो गया ना, इसकी दुम वुम आ गई है, खूब बड़े हो गए ना, तो ये इसके ऊपर बेचारे पे अपना कब्जा दिखाता है। खैर से यार मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो है ना चिंटू, ये नर है और ये जो है ये मादा है, तो हमारा ये पेयर सही बना हुआ है, इसको हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लाइव ये पेयर के उससे ही थे, पर उस वक्त छोटे थे तो हमें पक्का नहीं था कि नर मादा निकले ना निकले, पर नहीं भाई ये शायद मेरे हिसाब से तो नर मादा है हमारे चिंटू मिंटू। चिंटू अब ज़रूरत नहीं है उसको मारने की। तो यार मैं एक चीज़ भूल गया था और वही थी हमारा अंडा, ये देखें। तो यार ये अंडा तुम लोगों को दिख रहा है, ये हमारे ब्लैक बफ का अंडा है, जो कि मैं कल का भूला हुआ छत पे, यार मैं छत पे रख के चला गया था, उसको दिमाग में ही नहीं रहा मेरे बिल्कुल भी, और वीडियो वीडियो बनाई। ये देखो यार फिर उसको मार रहा, ये देखो वो बेचारा ना डर के मारे इधर चिपका रहता है। मैं हटा अलग इसलिए नहीं कर रहा दोस्तों, अलग करूँगा ना तो फिर वो और ज़्यादा मारेगा, अभी तो फिर भी सेट हो जाएगा कुछ दिनों में, पर करूँगा तो बहुत ज़्यादा मारेगा। खैर से यार अंडा मैंने यहाँ रख दिया कुर्सी पे, ताकि वापसी नीचे जाते हैं मुझे याद रहे। तो यार कल हमारे साथ एक ऐसा ख़तरनाक सीन हुआ दोस्तों, मैं जो हूँ वहाँ पर ना यार हमारे उधर एक चूहा आ गया, जिसको मैं ना डेली ढूंढ रहा हूँ पर वो मिलता नहीं है। कल भी मैं उसको वहाँ ढूंढ रहा था, तो पीठ पीछे हमारे क्या हुआ, सुल्तान खुला हुआ था और सुल्तान जो है इससे ना गेट पे लड़ाई कर रहा था, पर अचानक इसका गेट ना सुल्तान की वजह से खुल गया, क्योंकि इसने भी अंदर से जंप मारी होगी, तो ये गेट यार ढीला है, ये देखो ये ढीला है, इसको हमने यहाँ से भी बांधा हुआ है। तो यार ये भाई साहब बाहर आ गए और सुल्तान से जो है ये टकरा गया। ओ भाई कोई लड़ाई हुई है इनकी, मैं भागते हुए आया जल्दी से, क्योंकि यार सुल्तान के नाप का ये है ही नहीं, सुल्तान इसको मार नहीं रहा था, वो थोड़ा सा इससे परेशान हो रहा था, क्योंकि छोटा सा है ना, तो सुल्तान को ये हो रहा था क्या है यार, उसको ये ज़रूर पता है कि मुर्गा है, पर थोड़ा सा वो कन्फ्यूज हो गया था एक तरीके से, मुझे इतना लग रहा था। लेकिन भाई बड़ी गंदी लड़ाई हुई थी, और इसने ना हमारा जो छोटा है इसने अच्छा खासा सुल्तान के लातें मारी हैं भाई, उछल उछल के बहुत गंदे तरीके से लड़ा था, पर सुल्तान का ज़र्फ़ है भाई, सुल्तान ने इस पर कुछ करा नहीं, वरना अगर ये मारता ना तो हमारा ये गया था भाई। तो कल ये बचत हो गई हमारे सेबराइट की, वरना सुल्तान ने कसर नहीं छोड़नी थी, सुल्तान एक झटके में इसको मार देता। यार दोस्तों मेरी ना अचानक नज़र पड़ी, हमारे जो कबूतर थे वो कहाँ गए यार, यहाँ पे जो थे दोनों के दोनों इनके नीचे थे, वाइट वालों के, जिनके नीचे हमने बच्चे निकलवाए थे सबसे पहले, यार वो कहाँ हैं, ना यहाँ पे ना वहाँ। यार हमजा भी घर पे नहीं हो, गया हुआ जॉब पे, कहाँ गए यार। तो यार हैक्टिंग ख़त्म करते हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि वो कहाँ गए। तो खैर से भाई वो जो हमारे कबूतर हैं ना वो बिक चुके हैं, वो जा चुके हैं, हमजा ने उनको सेल आउट कर दिया, और सेल आउट करे हुए भी भाई तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ऊपर हो गया है इस बात को। हमारे वाले कबूतर कब के गए हैं आप पिछली वीडियो में देखिएगा, कहीं ना कहीं से पीछे से दिख रहे होंगे मेरे, बट यार वो रात में गए थे ना तो मैं दिखा नहीं पाया, और हमदा साहब जी ने मेरे पीठ पीछे जाके चुपचाप बेच कर भी आ गया उन्हें, और मुझे पता भी नहीं था, वरना मैं कोई वीडियो बना लेता यार उनकी और दिखा तो देता। और हमारे यार सबसे पहले कबूतर थे मेरे हिसाब से, जब मैंने वीडियो शुरू की थी सेटअप के हवाले से, सबके सबसे पहले कबूतर थे जो हमारे इस कोने पर थे, जब ये कुछ भी नहीं बना हुआ था इस तरफ। तो यार मुझे दुख हुआ, और मैंने हमजा को इस पर बहुत बोला, मिला यार गलत है तुम्हारी हरकत, ऐसे मत बेच कर आया करो, बता तो दिया करो कम से कम। तो खैर से यार हमारे ये वाले कबूतर भी चले गए। तो यार तुमने जो अपना खाना फिनिश कर लिया, हाँ गुड बॉय। तो यार अब जो है ना मैं इन लोगों को खाना अंदर ही डाल रहा हूँ, कुछ मुर्गे मुर्गियों को, क्योंकि यार सर्दियों का टाइम है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा ना मैं लेट हो जाता हूँ, मैं इनको खोलता जाऊँ ना वो सुबह में खोलता हूँ मॉर्निंग टाइम में, किसी दिन मैं मॉर्निंग की वीडियो बनाऊँगा, पर अभी शाम हो रही होती है, वीडियो मैं शाम में बनाता हूँ, तो किसी दिन इंशाल्लाह जब मॉर्निंग में बनाऊँगा वीडियो तो तुम लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा कि जितने मुर्गे मुर्गियाँ हैं उनको मैं कैसे खोलता हूँ। यार मैं एक एक करके खोलता हूँ, क्योंकि असील है ना तो इनका डर रहता है कि अल्लाह ना करें ये गलती तरीके से भी ना लड़ गए, तो भाई यकीन मानो बहुत गंदे लड़ते हैं ये, तो इस वजह से मुझे बहुत केयर से खोलना पड़ता है। पर शाम के टाइम में इनको जल्दी जल्दी करके अंदर डाल देता हूँ, जैसे इसको मैंने खिला दिया है, उसको छोटे को दे दिया, वो देखो उसने अभी बचाया है खाना, वो निकालना है हमने, और बाकी जो है इस मादी को दे दिया है, और इसको भी अंदर डाला था, माशाल्लाह भाई इसने भी यार अपना पूरा ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, गुड। तो यार एक चीज़ इसमें बहुत गलत आदत आ गई, हमारा जो किंग है बादशाह, ये ना मैं हाथ डालता हूँ तो मेरे काटने लग गया है, और बहुत शिद्दत का गंदे तरीके से काटता है, जिस वजह से ना मुझे
बड़ी मुश्किलों से इसका प्याला निकालना पड़ता है। तो ये भी, और काटना उनका, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये काटना इनका लड़ने से ख़त्म होता है। मैं इनको दाना ही खिलाता हूँ, कोई ये कच्चा गोश्त वगैरह तो नहीं खिला रहा जो उसको जो ये काटना शुरू कर दें। तो ये वाला काटना नहीं है, जो एक होते हैं जो गोश्त खिला दो ना तो वो काटना शुरू कर देते हैं। ये जो है ना, ये गुस्से की वजह से काटते हैं। इनको जब तक इनकी लड़ाई नहीं होती ना, जब तक ये इनका मतलब ठंडा नहीं होता गुस्सा, तो इस वजह से काटते हैं ये। तो यार जितना दाना था मैंने भिगो दिया है, और बाकी जो है हमारे जितना दाना है वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है भाई। वो देखो यार, मैंने पूरे इसके अंदर डाल दिया। अभी इसमें जो है हमारे आटा रखा हुआ है वो भी बहुत थोड़ा सा बचा है। तो अब हमारा दाना आना है यार। शुक्र है कि आज का हमारा हो गया, मेरे दिमाग में नहीं था। क्या कर रहे हो वो भाई? छिच छिच यो भाई, ये भी यार देखा तुम लोगों ने, ये डांस करने लगा था। तो भाई माशाल्लाह ये भी डांस करने लगा। और देखो यार इसके भी खुर आ गए, मतलब कि ये भी जवान हो चुका है पूरी तरीके से। अब इसके साथ अगर हम मुर्गी छोड़ेंगे तो पक्का हमारे पास अंडे आ जाएंगे इसके, और इसकी नस्ल हमारे पास आ सकती है। अब तो जल्द यार इसका भी मैं सेटअप करता हूँ इसके साथ, जल्द अज जल्द दोस्तों एक अच्छी सी मुर्गी ला के छोड़ते हैं ताकि इसके भी यार अंडे निकलवाएँ। और अंडे तो आ जाते हैं यार, बच्चे बहुत मुश्किलों से आते हैं। तो खैर यार दोस्तों, कल हमारा काम है इनका सारा दाना भी लाना है। कल तो नहीं हो सकता कि मैं रात में ही लेकर आ जाऊं, क्योंकि यार फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता और दिन जो है ना बहुत जल्दी ढल जाता है। तो इस वजह से मुझे अभी शाम में या फिर रात में जाना पड़ेगा और इनका दाना लेकर आना पड़ेगा। आज का तो इनका इंशाल्लाह, हाँ मेरे हिसाब से आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है, ये दाना हम दे देंगे इनको। और बाकी को तो हमने सबको डाल दिया है। छोटे डॉन को अंदर ही डाल दिया था, उसने भी खा लिया, इसने भी खा लिया, उसका पानी भी चेंज कर दिया, वो देखें वो रखा हुआ। अब सिर्फ जो रहता है ना वो रहता है सुल्तान। ये देखो यार, इसको खाने की ऐसी तलब होती है ना, पता नहीं क्या मसला तुम्हारा है। क्या मसला? ओ तेरी भाई यार, इसको ना जो लड़ना है ना वो मेरे से ही होता है। मैं ही दाना डालता हूँ और मुझे ही मारता है, मुझसे ही लड़ता है। तो मैं ना अब इसको दाना ऐसे डालता हूँ, वो झाड़ू दिख रही तुम लोग यार जिससे मैं सारी सफाई करता हूँ, वो झाड़ू हाथ में रखता हूँ, क्योंकि वो झाड़ू से फिर भी है ना डरता है थोड़ा बहुत, इसके होता है पता नहीं क्या चीज़ है तो उससे ये थोड़ा बहुत डर जाता है, तो इस वजह से मुझे वो हाथ में रखनी पड़ती है। वरना मैं आप लोगों को छत पे ना दिखूं जब मैं इसको खोलूं, क्योंकि ये भाई कभी भी एकदम दिमाग घूमता और पीछे लग जाता पता नहीं क्या। और जब से इसके साथ हमने वो मादा लगाई है ना तब से तो बहुत ज़्यादा। और यार ये मादा भी दोस्तों हमारी इसके साथ लग के, और खैर से इनकी भी गलती नहीं है यार, ये मेरी गलती है, क्योंकि मुझे लग रहा था अंडे नहीं दे रहे, पर यार मैं इनको टाइम ही नहीं देता हूँ, ये खुलते ही नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि यार ये जो है ना ये काटता है, इस वजह से ना मैं इसको ज़्यादातर बंद ही रखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और खोल दूँगा और किसी मुर्गे के हाथ आ गया ना ये, तो यार ये उस मुर्गे को जान से आप समझ लो कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा केयर करता हूँ। बाकी यार जल्द इनके लिए मैं मिट्टी ला के डालूंगा, और जो हमारा ब्लैको उसको भी ऊपर शिफ्ट करते हैं, और मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि आप ब्लैको को ऊपर शिफ्ट करें, तो इंशाल्लाह जल्द करते हैं सारे काम। तो यार सबको खिला पिला के मैंने फारिग कर दिया है, अब लास्ट में जो है सिर्फ इनको खुला हुआ है मैंने, चिंटू और मिंटू को। इनको खुलने की वजह पता है क्या होती है? वो होती है दोस्तों हमारा जो नीचे पड़ा हुआ दाना होता है ना, ये देखें ये सारा खा जाते हैं, जितना दाना पड़ा हुआ है ना जो मैं अंदर पिंजरों में डालता हूँ, जाहिर सी बात है इस जानवर की खसलत होती है, पाँव ज़रूर मारता है उस पर और सारा नीचे गिरा देता है, फिर चुन चुन के खाता है। तो इस वजह से ना मैं इन दोनों को लास्ट में अब ना थोड़ा बहुत खोल देता हूँ, ताकि जितना दाना है ना सारा फिनिश कर देंगे। वो देखें खा रहा ना, देखें कैसे खा रही है माशाल्लाह से। लेकिन ये जो है ना हमारे इन दोनों की वजह से ना ये दोनों बेचारे डर जाते हैं, पता नहीं भाई इनमें बहुत ज़्यादा, छोटा डॉन छोटे डॉन, और ये जो है ना छोटू हमारे पास छुटकू, ये भी बहुत तेज़ है, इनको मैं साथ नहीं खोल सकता इनके, वरना पीछे लग जाते हैं और बहुत तबाही होती है फिर यहाँ पे। तो खैर से दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हमारे कबूतर जो हैं वो जा चुके हैं, अब जो हमने इनका नया सेटअप बनाना है अच्छा सा बेहतरीन, तो आप लोग जल्दी से सपोर्ट करो और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। चलो यार ये अंडा ले जाऊँ, कहीं पता चला मैं अंडा फिर भूल जाऊँ और फिर मुझे याद आए और ये इसके अंदर ना बड़े बड़े बच्चे ही बन जाए।